तो गाइज अभी आ चुके हैं हेड क्वार्टर ऑफिस पे, ये छत पर बिल्डिंग के छत पर खड़े हैं क्योंकि बाहर का लोकेशन बहुत एवन आ रहा है और अंदर बहुत ज़्यादा पब्लिक है, इस वजह से नीचे वीडियो नहीं बनाया है, तो इसीलिए आप छत पर आके लोकेशन देख रहे हैं। अभी तो धूप बहुत है लेकिन ये शाम के समय या मॉर्निंग के समय जो व्यू आएगा वो एक नंबर है। अभी हेड क्वार्टर बिल्डिंग के छत पर हैं और सामने का ये व्यू देख सकते हैं आप, कितना ऑसम है, चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ है, ये देखिए पहाड़ है और इधर बना हुआ है चर्च, इसका भी ओपनिंग है 10 बजे, टाइम हो गया है अभी ओपनिंग का, उद्घाटन का, और नीचे देख सकते हैं कितनी भीड़ है और व्यू गाइस एक नंबर है, बहुत बहुत अच्छा व्यूज आ रहा है यहाँ से, अमेजिंग। चर्च बिल्डिंग भी बहुत ही सुंदर सा बना है प्रभु की दया से, जीसस प्लस, बहुत अच्छा, प्रभु का धन्यवाद हो, इतना अच्छा प्रभु ने इस बिल्डिंग को बना के दिया, सारी ज़रूरतों को प्रभु ने पूरा किया है। और इधर देख सकते हैं लोकेशन काफ़ी अच्छा है, इधर सब नारियल के पेड़ आपको पूरे सब ग्रीनरी ग्रीनरी है, हरियाली है, बहुत अच्छा है, सब अच्छी वाइब्स आ रही हैं। ठीक है गाइस, फिर नीचे पहुँचते हैं, चर्च के अंदर भी दिखा देंगे अंदर का एंट्री और हेड क्वार्टर का बाहर से हम दिखा देंगे। तो ये रहा हेड क्वार्टर के मेन बिल्डिंग, नीचे से ऐसा दिखता व्यू, बहुत ऑसम व्यू है और बिल्डिंग भी काफ़ी बहुत अच्छा बना है। ये रोड है, मेन रोड है इधर से, முதல் நூற்றாண்டிலேயே அநேகரை கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக வழி நடத்தினார். தோமா அப்போஸ்தலனை தொடர்ந்து பல்வேறு காலகட்டங்களில் உலகின் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து மிஸ் பவுன்ஸ், மிஸ் ஆல்பின்கு, டாக்டர் மேரி சாப்மேன், ராபர்ட் குக், சிபிஎம் ஸ்தாபகர் பாஸ்டர் ராமன் குட்டி பால் போன்ற பல பெந்தேகோஸ்தே மிஷினரிகளை குமரி மண்ணிற்கு தேவன் தொடர்ந்து அனுப்பி கொண்டிருந்தார். तो अभी आ गए गाइस नीचे खाना खाने के लिए और आप देख सकते हैं यहाँ पर इतनी भीड़ है और एक मेन बात है कि यहाँ का जो ट्रेडिशनल जो कल्चरल है यहाँ का केले के पत्ते में खिलाना वो सबसे बेस्ट लगा मुझे और आग भी गया, पुलाव है साथ में, एक चटनी है और एक हलवा टाइप का कुछ है, खाते हैं इसको बड़े मज़े से। तो गाइस अभी मीटिंग यहाँ पर ख़त्म हो गया, लगभग टाइम हो गया है, देख सकते हैं 1:30 बज गया है और हम लोग भी खाना वाना खाई हो गए थे और मैं अभी जो चर्च का मेन ऊपर का हॉल है उधर बैठा हूँ, हम देख चुके हैं ये ऊपर का हॉल है और मेन जो चर्च है वो नीचे है, नीचे बिल्डिंग है, नीचे बिल्डिंग का नीचे जाएंगे तो दिखा भी देंगे। तो गाइस नीचे से चर्च ऐसा लगता है, आप देख सकते हैं मेन्स वर्शिप वगैरह ऊपर ही चलता है और ये नीचे पूरा हॉल है। यहाँ पर अभी बैठने की जगह नहीं थी, इतनी भीड़ थी, परमेश्वर का धन्यवाद हो। ऊपर का हॉल तो आपको दिखा ही चुके हैं, थैंक यू जीसस। सो गाइस अभी इधर बारिश स्टार्ट हो चुकी है और कल हम लोग फिर शाम को घर चले गए थे, फिर रात को फिर आया, वीडियो नहीं बनाया था और अभी टाइम जो हो रहा है वो लगभग 4 बज गया है और आज मतलब जो यहाँ मीटिंग चल रही है 4 दिन की, आज उसका 2nd डे है, मतलब कल 1st डे था, मतलब वो गार्डन का था, आज मतलब 2nd डे है, आज से मीटिंग लगभग 14 तारीख तक चलेगी। तो गाइस पीछे का व्यू बहुत अमेजिंग है, आप लोगों को भी दिखाता हूँ, बारिश यहाँ ऐसा ही मौसम रहता है, अभी बारिश हुई फिर बंद हो जाती है, फिर बारिश होगी फिर बंद होगी और गर्म है ज़्यादा, पेड़ पौधे होने से भी थोड़ा ज़्यादा गर्म होता भी है, मतलब यहाँ आके ऐसे पता चलता, मुझे लगता था कि ज़्यादा पेड़ पौधे ज़्यादा होंगे तो गर्म नहीं होगा लेकिन इधर इतना ज़्यादा पेड़ पौधे हैं, देखिए चारों तरफ जंगल ही है, जंगल नहीं है इधर, अंदर घर बने हुए हैं,
लेकिन आपको लग रहा होगा कि जंगल है, मैं दिखाता हूँ बैक टू बैक। ऐसे ये घर देखिए अभी बना ना, इधर साइड पेड़ से काट दिए गए होंगे, लेकिन इसके अंदर घर, और मैं हम लोग इधर ही कहीं घर पे एक भैया के घर पे स्टे कर रहे हैं, और ये देख सकते हैं ये सब अंदर घर बने हुए हैं, लेकिन आपको लगेगा कि नहीं कि इधर घर है। और सामने के व्यू देख सकते हैं ये पहाड़ बहुत, अभी हल्की सी धूप पड़ रही थी ना तो काफ़ी गजब का नज़ारा लग रहा था, और अभी थोड़ा वो बादल आ गया तो अंधेरा हो गया। देखिए ऊपर का बादल कितने घने बादल है, ब्लैक। और ये पता नहीं कौन सा पेड़ है, कदम का है जहाँ तक पेड़ बोल रहे थे, इसमें लगा हुआ है फल, इसको खाया तो नहीं जाता है, कदम का है कि पता नहीं, कदम का जैसे लग रहा है लेकिन अभी क्लियर नहीं पता कि कदम का ही है, बिल्कुल उसी के जैसे लग तो रहा है, लेकिन कदम के पेड़ पत्ते बड़े बड़े होते हैं, ये थोड़े छोटे छोटे पत्ते हैं, और फल जैसे थोड़ा सा ऊपर आके आपको नज़ारे और दिखा देते हैं। यहाँ से तो काफ़ी देखो बादल यहाँ से बन रहे हैं, फिर जा रहे हैं, फिर बन रहे हैं, फिर जा रहे हैं, और इधर भाई लोग इधर बैठे इंजॉयमेंट को काफ़ी देर से कर रहे हैं, और 3 घंटे से बैठे हैं, ऐसा लग रहा है कि हम लोगों ने कुछ देखा ही नहीं, हम लोग कितने बार देखते देखते जा रहे हैं, मन नहीं भर रहा, मन ही नहीं भर रहा है, मतलब इतना अच्छा व्यू है, बादल देख सकते हैं कि बन रहे हैं बादल, फिर वो बादल फिर ऊपर जाएगा, फिर से बारिश होगी, काफ़ी ही अच्छा है। सचिन तुम बताओ, लाइव एक्सपीरियंस बनते हुए देख रहे, मतलब समझ रहे हो, क्लियरिटी इतना है कि क्या ही बताएं, मतलब बस खाली विजिबिलिटी थोड़ा सा डाउन हो रहा है, और एक अगर प्रोफेशनल कैमरा होता ना तो भाई आग लग जाती, मतलब एक बार अगर देख लोगे ये वीडियो यहाँ का ऐसे सुकून लगेगा भाई, क्या सुंदर चीज़ देख ली, बहुत बढ़िया। तो गाइस अभी आ चुके हैं दूसरे चर्च में, आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत सा बिल्डिंग है जो कि मेरे कैमरे में भी नहीं आ रहा है, और पीछे के लोकेशन में है पहाड़, ये देख सकते हैं अमेजिंग पहाड़ है, और इधर चर्च है, उधर पहाड़ है, और इधर पार्किंग एरिया है, मतलब काफ़ी अमेजिंग चर्च बना। ये चर्च है एफजीपीसी चर्च के पड़ोस में ही चर्च है CSI का, तो काफ़ी बढ़िया बिल्डिंग सब बना, अंदर भी चर्च मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, चलिए मेरे साथ। तो गाइस ये है अंदर का स्ट्रक्चर, काफ़ी अच्छा बना हुआ है, और सीटिंग एरिया भी बहुत अमेजिंग है, बहुत जगह है, काफ़ी बड़ा चर्च है, इधर देख सकते हैं ऊपर बालकनी में भी बैठने के लिए है, काफ़ी जगह है गाइस। गाइस इधर इतनी गर्मी हो रही है, देख सकते हैं पसीना कितना आ रहा है, और क्योंकि इधर का वेदर ऐसा है ना कि बारिश होती है फिर बारिश बंद हो जाती है, लेकिन जो बारिश होने के बाद जो गर्मी होती है ना उमस, वो वाली गर्मी इधर ज़्यादा है, और जब से इधर आए हैं चेन्नई तब से काफ़ी ज़्यादा यही गर्मी झेल रहे हैं, कोई बात नहीं, इतने दिनों बाद आए हैं, मतलब इतने फर्स्ट टाइम के बाद आए हैं तो थोड़ा बहुत तो एडजस्ट करना ही पड़ेगा।